सावन का महीना शुरू होते ही शिवभक्त बोलबम का नारा लगाते हुए अपने आराध्य को जल चढ़ाने देवधर निकल जाते हैं। पूर्वांचल में शिवभक्तों के हुजूम निकलता है तथा सड़क मार्ग और ट्रेनों के माध्यम से जल अर्पित करने निकल जाते हैं। और शिवभक्तों की इस यात्रा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे भी गोरखपुर जंक्शन से 15 जुलाई से एक विशेष ट्रेन प्रतिदिन चलाएगी, जो गोरखपुर से चलकर देवधर पहुँचेगी और 16 जुलाई से देवधर से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन लगातार 1 माह तक प्रतिदिन चलेगी। इस विशेष ट्रेन के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला 15 जुलाई से 1 महीने तक चलता है। काफी संख्या में पूर्वांचल से कांवड़ी यात्रा रेलवे प्रशासन द्वारा इस तरह विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, तैयारी विशेष जी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक विशेष गाड़ी 15 जुलाई से चलाई जाने वाली है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 05010 गोरखपुर देवघर गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन 1 माह के लिए करने का निर्णय रेलवे द्वारा लिया गया है। 05010 ट्रेन नंबर गोरखपुर देवघर अनारक्षित विशेष गाड़ी 15 जुलाई से 14 अगस्त 2019 तक तथा 05009 देवघर गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी 16 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। 05010 गोरखपुर देवघर अनारक्षित विशेष गाड़ी गोरखपुर से 20 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा से 20:27 पर, देवरिया सदर से 21:13 पर, भटनी से 21:40 पर, मैरवा से 22:10 पर, सिवान से 22:40 पर, एकमा से 23:22 पर, छपरा से दूसरे दिन 00:15 पर, छूटकर दिगवारा सोनपुर हाजीपुर देसरी महनार रोड शाहपुर पटोरी मोइनुद्दीन नगर विद्यापति धाम बछवारा बरौनी बेगूसराय साहिबपुर कमाल मुंगेर सुल्तानगंज भागलपुर बरहट बांका स्टेशनों पर रुकते हुए देवघर 14:30 पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 05009 देवघर गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी देवघर से 16:40 पर प्रस्थान करके बांका बरहट भागलपुर सुल्तानगंज मुंगेर साहिबपुर कमाल बेगूसराय दूसरे दिन बरौनी बछवारा विद्यापति धाम मोइनुद्दीन नगर शाहपुर पटोरी महनार रोड देसरी हाजीपुर सोनपुर दिगवारा स्टेशनों पर रुकते हुए छपरा से 4:50 पर, एकमा से 5:40 पर, सिवान से 6:13 पर, मैरवा से 6:35 पर, भटनी से 8:05 पर, देवरिया सदर से 9:35 पर, चौरी चौरा से 10:27 पर छूट कर गोरखपुर 11:20 पर पहुँचेगी। इस विशेष गाड़ी की संरचना में साधारण श्रेणी के 15 तथा SLRD के 2 कोचों सहित कुल 17 कोच लगेंगे। धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म से ये समय रहते ही डिसाइड करके बता दिया जाएगा, और यात्रियों से अपील है कि जो भी ट्रू कलर लगे हुए इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ उस पर देख लें, पूछताछ से पूछ लें कि किस प्लेटफॉर्म से जाएगा।